भरतपुर में उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर ये कैसी तैयारी? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल है भरतपुर दौरा, उनका कल ये भरतपुर दौरा होने वाला है और सर्किट हाउस की तरफ से पीडब्ल्यूडी के लिए एक लेटर लिखा गया जिसमें अधिशासी अभियंता से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र मांगी गई। कुछ दिन पहले वीआईपी विंग में छज्जा गिर गया था, फिर छज्जा गिरने के बाद भी दोनों विभाग के अधिकारी लापरवाह नजर आए। जब इस दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ओपी किरार का बयान आया और कहा सर्किट हाउस के अधिकारी तो पत्र भेजते रहते हैं, अभी तक नहीं दिया गया है पीडब्ल्यूडी द्वारा सर्किट हाउस को भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर आखिरी कैसी तैयारी है? कल ही भरतपुर दौरा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, वो आने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन जरा देखिए किस तरीके की तैयारी यहाँ पर की गई है। प्रमाण पत्र अभी सुरक्षा को लेकर नहीं दिया गया है, उपराष्ट्रपति को लेकर किस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है और लगातार यहाँ की खबरें सामने आती रहती है। कभी छज्जा गिर जाता है, कभी दीवार से ये देखिए तस्वीरें जरा देखिए, दीवार कैसे भरभरा कर नीचे गिरती नजर आ रही है और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस मामले में मैंने 4 तारीख को माननीय अधिशासी अभियंता को पत्र लिखा था कि भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र दे और आवश्यक मरम्मत कार्य कराए। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमें उसका कोई सुरक्षा प्रमाण पत्र भी नहीं दिया। वहां से कभी जवाब मिलता ही नहीं है पीडब्ल्यूडी से। हम तो उनसे कई चीजें मांगते रहते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देते।